हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं मेरे भाई, कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों, हाल फिलहाल में सूत्रों के द्वारा मिली गई जानकारी के मुताबिक महिंद्रा काम कर रहे हैं अपनी XUV 500 न्यू जनरेशन के ऊपर। और यहां पर सूत्रों के हिसाब से एक फोटोग्राफ भी हमारे सामने आई है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गाड़ी का जो साइज है वो काफ़ी मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट सा रहने वाला है, जिससे पता चलता है कि गाड़ी का सेगमेंट रहने वाला है सेल्टोस क्रेटा टाइगुन वाला, यानी कि 10 लाख से लेकर के 20 लाख के बजट में अगर आपको कोई गाड़ी चाहिए तो वो रहने वाली है XUV 500। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये पिक्चर देख लो जो महिंद्रा ने शेयर की है XUV 500 की। देखने से लग रहा है कि गाड़ी की डिलीवरी भी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी डिलीवरी के लिए जा चुकी है, लेकिन ऐसे नहीं है। गाड़ी बेशक पूरी तरीके से कवर्ड है, लेकिन अगर हम इसके डिज़ाइन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें तो फ्रंट में काफ़ी ह्यूज बोनट आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से गाड़ी को बोल्ड एंड SUV लुक मिलने वाली है। गाड़ी के साइड में आपको काफ़ी सारे कट्स एंड क्रीजेस मिल जाएंगे, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है, जो एयर डायनेमिक्स हैं, वो भी इम्प्रूव होंगे। और अगर आप गाड़ी के रूफ़ पर देखो, जो बैक साइड में आपको ग्लास मिलता है वो एकदम कूपे डिज़ाइन में है, जो 2023 में ट्रेंड के हिसाब से एकदम अप टू डेट है और काफ़ी ज़्यादा शानदार भी लग रहा है। और अगर आप इस गाड़ी का डिज़ाइन लैंग्वेज एकदम अच्छे से देखना चाहते हैं, तो अगर आप इस गाड़ी के साइड बाय साइड महिंद्रा BE07 को कंपेयर करते हो, जो महिंद्रा की तरफ से एक न्यू EV है जो फ्यूचर में कभी लॉन्च होने वाली है, दोनों का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक आपको सेम नज़र आएगा, यानी कि सिमिलैरिटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। जैसे कि रियर में कूपे डिज़ाइन, फ्रंट में ह्यूज साइज़ का इसका बोनट, और जो बम्पर है वो भी काफ़ी हद तक मैच कर रहा है दोनों गाड़ियों का। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जो BE07 है डिटो सेम आपको जो डिज़ाइन है वो XUV 500 में देखने को मिल जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि जो दोनों गाड़ियां हैं उनका डिज़ाइन काफ़ी हद तक मैच कर रहा है, तो आशंका है, हल्के फुल्के चांस हैं कि दोनों गाड़ियों का डिज़ाइन आपको हल्का फुल्का कॉमन नज़र आए। क्योंकि जब महिंद्रा XUV 500 को इंडियन मार्केट में उतारा गया था, यानी कि लॉन्च किया गया था, तब इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस, लुक्स, इंजन एंड परफॉर्मेंस की वजह से इस गाड़ी को भरपूर प्यार मिला था और काफ़ी अच्छी सेल्स भी इस गाड़ी ने उठाई थी। और वहीं दूसरी तरफ जब महिंद्रा BE07 को अनवील किया गया था, इसकी फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट को दिखाया गया, तब लोगों ने भी काफ़ी हद तक सपोर्ट किया इसके नए डिज़ाइन को। जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक लोगों को इम्प्रेसिव लगा, जिसकी वजह से हो सकता है महिंद्रा का अगला डिसीजन यही हो कि XUV 500 के नाम से इस गाड़ी को लॉन्च किया जाए पेट्रोल एंड डीजल इंजन के साथ, और कुछ टाइम बाद इस गाड़ी को एक EV के रूप में लॉन्च किया जाए। अब यहाँ पर मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, गाड़ी के डिज़ाइन वाइज अगर सिमिलैरिटी देखी जाए तो ऐसी आशंका तो बन रही है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर एंड फीचर वाइज। तो अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो इस गाड़ी को XUV 300 से ऊपर रखा जाएगा और XUV 700 से नीचे रखा जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर XUV 300 से ज़्यादा अपग्रेडेड आपको इसका इंटीरियर नज़र आएगा, लेकिन XUV 700 जितना प्रीमियम तो नहीं होगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टच स्क्रीन है उन्हें डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि सेपरेट रखा जाएगा। गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिलेगी और ट्रेंड के हिसाब से फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है वो है एडास को लेकर, क्योंकि जो सेगमेंट है उसमें किया सेल्टोस आती है और सेल्टोस में न्यू फेसलिफ्ट के साथ नया एडास आने वाला है। क्रेटा में भी फेसलिफ्ट के साथ एडास को लॉन्च कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी आशंका तो है कि XUV 500 में आपको एडास की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, या फिर यहाँ पर अगर आपको एडास नहीं दिया जाए तो आपको 4x4 की कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। तो दोनों में से कोई ना कोई फीचर तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों, अगर इंजन की बात करें तो सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का डीजल एंड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो आपको अभी XUV 300 के न्यू एडिशन में प्रोवाइड किया गया है, उसी इंजन को उठा करके XUV 500 में भी डाल दिया जाएगा। हो सकता है इसे थोड़ा सा ट्यून किया जाए। और अगर बात करें प्राइसिंग की तो सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर 10 लाख से लेकर के 20 लाख के अंडर बजट में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है, और महिंद्रा तो वैसे भी अपनी गाड़ियों का प्राइस सस्ता ही रखते हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।